नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। जिले के तहसील मुख्यालय बैहर स्थित मिशन स्कूल के पास के कब्रिस्तान से 3 दिन पहले दफनाए गए शव को पुनः खोदकर बाहर निकाला गया। मामले के संबंध में जानकारी मिली कि अभी कुछ दिनों पहले जत्ता बडेरी में नदी के पास एक शव बरामद किया। वहीं उकवा निवासी आनंद जेम्स के नाम पर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से ही दर्ज थी। दूसरी ओर बरामद की गई लाश की स्थिति काफी खराब थी। जब उकवा निवासियों से उक्त शव की शिनाख्त कराई तो उन्होंने तिल मस्सा और उम्र के हिसाब से गुमशुदा आनंद जेम्स होना बताया। परिजनों की उक्त पहचान के आधार पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया, जिसे 3 दिन पहले ईसाई रीति रिवाज से दफना दिया गया। पर कहानी पर मोड़ तब आई जब 3 दिन पहले ईसाई रीति रिवाज से दफनाए गए व्यक्ति को बैगा परिवार के होने का दावा अन्य दूसरे लोगों द्वारा किए जाने लगा। इस मामले पर पूरी कहानी कुछ इस तरह सामने आई। आइए दिखाते हैं विस्तार से। खबर मध्य प्रदेश के पर स्थित मिशन स्कूल के पास की है। 30/5/22 को ग्राम जत्ता से कोटवार के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात शव तालाब के किनारे पड़ा हुआ है, तो जिस पर जाकर पुलिस ने रात में मर्ग की कायमी की और बॉडी को सुरक्षित अस्पताल भेजकर रखवाया था। चूँकि शव अज्ञात था तो पहचान स्थापित करने के लिए विभिन्न थानों को आरएम भी किए गए थे और विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से लोगों को अज्ञात शव के बारे में बताया गया था, जिस पर से दिनांक 31/5/22 को ये उकवा से अमित जेम्स आए उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि ये जो अज्ञात मृतक है वो उनके पिता आनंद जेम्स हैं। तो चूँकि अज्ञात मृतक की पहचान स्थापित हो चुकी थी तो सारी वैधानिक कार्रवाई के पश्चात शव को उनके सुपुर्द कर दिया गया था जी। जिस पर उनके द्वारा अपनी परंपरा अनुसार शव का दाह संस्कार किया गया। दिनांक 1/6/22 को ग्राम टिंगीपुर से अमर सिंह परदे ने एक आवेदन दिया थाने में, जिसमें उसने बताया कि उसके पिता पिछले 3-4 दिन से गायब हैं, मिल नहीं रहे हैं और वो जो फोटो देखा है व्हाट्सएप के माध्यम से उसके पिता का है। अब चूँकि पहले पहचान आनंद जेम्स के रूप में मृतक की हुई थी, अब चूंकि आप इनके द्वारा अपने पिता का सुखलाल परते नाम बताया जा रहा था, तो इस स्थिति में SDM महोदय से अनुमति लेकर शव उत्खनन की कार्रवाई की गई और दोनों पक्षों को सामने रखकर पुनः पहचान स्थापित की गई, जिसमें अंतिम रूप से पहचान मृतक की सुखलाल परते, पिता स्वर्गीय भरेवा परते, उम्र 75 वर्ष, जाति बेगा, टिंगीपुर बाहिटोला का होना पाया गया। सर, किन धाराओं पर मामला पंजीबद्ध हुआ? 174 CRPC मर्ग में कायम है।